वाराणसी में लोक समिति और आशा ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रहे महिला हिंसा पखवाड़ा के तहत थाना मिर्जा मुराद में चौपाल लगाई है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। ऐसे में थाना भ्रमण और परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित करना समाज के आगामी सकारात्मक बदलाव का शुभ संकेत है। बता दें कि सैकड़ों महिलाओं लड़कियों ने लालपुर चट्टी से मिर्जा मुराद थाने का घरेलू महिला हिंसा लैंगिक भेदभाव यौन उत्पीड़न के खिलाफ रैली निकाली। साथ ही उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की। थाने में प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने महिला हिंसा पर आधारित नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक किया। बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे सकारात्मक तरीके से रैली थाना इंचार्ज महोदय ने सारे लोगों को दिया, सभा किया गया और उस सभा में पीड़ा उन्होंने आपके सामने बताई कि आपने अपनी पीड़ा बताई महिलाओं को कि हमें दहेज के नाम पर शराब पी कर मारा पीटा जाता है और हमें प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने भी अपनी पीड़ा बताई कि जो है कि हमें जहाँ आमतौर पर 8 घंटे काम समिति और आसन प्रावधान में एक चौपाल लगाई गई जिसमें आराधी ब्लॉक के दर्जनों गांव की सैकड़ी महिलाएं शामिल। चौपाल के माध्यम से महिलाओं ने अपना अधिकार जाना। थाना प्रभारी ने बहुत सहजता से सभी लोगों को जो है महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो सरकार के द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इसके पूर्व लालपुर चट्टी से महिलाओं ने एक बड़ी तादाद में महिला हिंसा के खिलाफ रैली निकाली और सरकार से मांग किया कि महिला हिंसा बंद हो और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। महिला हिंसा पखवाड़ा के अंतर्गत लोक समिति व आशा ट्रस्ट के बैनर तले सेवापुरी ब्लॉक के लगभग दर्जनों गांव की महिलाओं ने एक जोरदार रैली निकाली। रैली में महिला हिंसा बंद करो, घरेलू हिंसा बंद करो, बाबा हमको पढ़ने दो, पढ़कर आगे बढ़ने दो आदि नारे लगाते हुए मिर्जा मुराद थाने पर पहुंची और वहां पर अपना चौपाल लगाया और वहां पे यशो सर से विभिन्न तरह की जानकारी प्राप्त की और